फिल्म आ रही है इस साल, बिहारी टाइगर, हम बानी बिहारी टाइगर। फिल्म अच्छी बनी है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा ये सिनेमा ज़रूर देखिए। अगर समय है तो थिएटर में देखिए, समय ना मिले तो कोशिश करिए, और अगर कोशिश भी नहीं कर सकते तो सेटेलाइट पे ज़रूर देखिए टेलीविज़न पर। मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना था। बिहारी टाइगर की भूमिका जो है, ये कहानी है एक पुलिस कॉप की, एक इंस्पेक्टर की, एक दरोगा की, जिसका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक ईमानदार पुलिस अफसर है, सिस्टम के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ ये लड़ना चाहता है। देखता है कि जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे बहुत सब गड़बड़ है, उसे ठीक करता है, और कैसे वो अपने लोगों को बचाता है, उनके साथ जो कॉन्स्पिरेसी होती है उससे कैसे बचाता है, कैसे वो पहले गांव को बचाता है, फिर कैसे वो शहर को बचाता है। तो कहानी जो है पूरी जो है ये इसी पे जो है घूमती रहती है। सर, स्टाफ कास्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इसमें मेरे साथ नायिका हैं कल्पना शाह और प्रतिभा पांडे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दोनों ही बहुत मेहनती हैं और अच्छा उन्होंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की, और साथ ही फिल्म बाकी कलाकार जितने भी हैं रिस्पेक्टेबल, सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, जैसे सुशील सिंह हो गए, हमारे भोजपुरी जगत के बहुत अच्छे वो एक्टर हैं, वो भी हैं सिनेमा में। आनंद मोहन जी, जो कि जिन्हें मैं कॉमेडी का बादशाह मानता हूँ, उन्हें देखते ही जो है लोग मुस्कुराने लगते हैं, बहुत आनंद मोहन जी उसमें हवलदार का करेक्टर कर रहे हैं, मैं दरोगा हूँ और वो हैं हवलदार, तो हमारी जो दोनों की तिकड़ी है वो बहुत लोग इन्जॉय करेंगे, आप लोग सब लोगों को बहुत पसंद आएगा वो कॉमेडी। और इसमें जो विलन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है, शाहबाज खान जी, और शाहबाज खान साहब को आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर, हिंदी पिक्चरों में भी देखा, भोजपुरी में मेरी दामिनी में, वो दामिनी पिक्चर जो मेरी चली थी उसमें शाहबाज भाई थे, तो बहुत ज़्यादा फाइट हम लोगों ने की है आपस में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बानी बिहारी टाइगर आप लोगों को अच्छी लगेगी। सर, अगर गाने की बात की जाए तो गाने किस टाइप के आएंगे? गाने बहुत अच्छे हैं, और ये सिनेमा जो है आप अपने पूरे परिवार के साथ जाकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अश्लीलता पिक्चर में है नहीं, मसाला बहुत है जो आप लोगों को बैठा के रखेगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट देगा, लेकिन पिक्चर में अश्लीलता नहीं है। और एक आध आइटम सॉन्ग जो है, जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक परंपरा बन चुकी है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हमारे प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो कुछ एक आध गाने भी हैं जो कि ठीक ठाक हैं, बाकी ओवरऑल पिक्चर जो है वो कॉमेडी भी है और पूरा मार धाड़ और एक्शन से भरपूर है, इमोशन है, लव स्टोरी है, सब कुछ है। सर, मूवी के लोकेशन शूट जानना चाहिए, कहाँ कहाँ शूट किया मूवी? इसको हम लोगों ने हाजीपुर बिहार में शूट किया जी, और फिर छपरा के कुछ इलाकों में इसकी शूटिंग हुई, और इसकी आधी शूटिंग बॉम्बे में भी हुई है, तो अलग अलग लोकेशंस पे ये फिल्म बनाई गई है। शिव शक्ति प्रोडक्शन से ये फिल्म आई है, और प्रकाश जी हमारे मिश्रा जी जो प्रोड्यूसर हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में आके ये फिल्म बनाई, और समीर खान जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा, उनका पहला सिनेमा है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये पिक्चर अच्छा बने, और भविष्य में हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे सिनेमा, और जो कि मेरा सपना है कि वो पूरे विश्व में चले, तो अच्छा सिनेमा भोजपुरी में बने, और हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन भोजपुरी इंडस्ट्री फले फूले आगे बढ़े। बने जी, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम रवा लोग से ये कब कि आज विनय आनंद जे बी बाबू आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बा, और हमार सिनेमा हम माने बिहारी टाइगर हुआ लोग देखी, और हमने के भोजपुरी फिल्म्स के आगे बढ़ाई, फर्स्ट प्रेफरेंस भोजपुरी सिनेमा के देवे के चाही,
और फिल्म हिट हुई तो हमहूँ फेमस और ज़्यादा फेमस हो जाए रउआ लोग के आशीर्वाद से। तो बस देखत रही भोजपुरी सिनेमा दिन रात। थैंक यू।